हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पवन किशोर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसटीडी अड्डा 95 पर। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि मेरा वीडियोस लगातार पड़ रहा है और आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, तो आइए आज भी स्टार्ट करते हैं। गांधी जी, हम लोग का गांधी युग चल रहा है और गांधी युग में आज है अहमदाबाद मील आंदोलन। आइए जानते हैं अहमदाबाद मील आंदोलन है क्या। जो अहमदाबाद मील आंदोलन की बात की जाए तो वो वहाँ पर एक प्लेग बोनस को लेकर के बहस छिड़ी थी और जिसकी वजह से वहाँ हड़ताल करना पड़ा था और बाद में हमको सफलता मिली। तो सत्याग्रह सफलता के बाद दूसरी सफलता अहमदाबाद मील सत्याग्रह, और उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह तीसरी नज़र जो होगी हमारी वो खेड़ा पर। तो आइए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारे चैनल पर नया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार मील आंदोलन करना क्यों पड़ा, सबसे पहली बार मील आंदोलन करना क्यों पड़ा और क्या रीज़न रहा कि हमें वहाँ मील आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ी। तो आइए देखते हैं। अहमदाबाद में जो कि गुजरात में है, वहाँ कारखाना है, जो भी कपड़ों का कारखाना है, वहाँ जितने मजदूर काम करते थे, वहाँ एक बीमारी फैली, जैसे कि आज कोरोना है तो कोरोना में सब कुछ बंद है, सब कुछ बंद हो जाता है, फिर स्टार्ट हो जाता है, फिर बंद हो जाता है, जैसे जैसे बीमारियाँ बढ़ती हैं और प्रकोप बढ़ता है बीमारियों का, तो सरकार को सब चीज़ें बंद करनी पड़ती हैं। ठीक उसी प्रकार जब वहाँ एक बीमारी फैली थी जिसका नाम था प्लेग बीमारी। प्लेग बीमारी के बारे में आप लोग सुने होंगे, जो कि जीवाणु से फैलती है और उसमें क्या होता है, बॉडी में ब्लैक ब्लैक धब्बे पड़ जाते हैं और बाद में उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद बॉडी बिल्कुल ब्लैक हो जाती है, इसलिए उसको नाम दिया गया है काली मौत। तो प्लेग एक बीमारी है जो अहमदाबाद में फैल जाती है और जिसकी वजह से वहाँ पर मजदूर जितने मजदूर कारखानों में काम कर रहे थे, सारे के सारे छोड़ देते हैं कारखानों में काम करना, घर बैठ जाते हैं। तो उसके बाद जब ये प्लेग फैला था तो जब कारखानों में मजदूरों ने काम करने से मना कर दिया तो उन्हें एक लालच दिया गया था कि आपको 50% बोनस दिया जाएगा, सैलरी के बाद 50% बोनस दिया जाएगा। तो इस पर कुछ मजदूर लोग काम अभी कर रहे थे। क्या होता है, जब ये बीमारी फैलती है तो अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी कमिश्नरी, दो डॉक्टर को भेजती है इस पे काबू पाने के लिए और यहाँ पर क्या करने के लिए, जितने भी बीमार लोग हैं उनको सही इलाज देने के लिए। अच्छा, ये दो जो होते हैं वो कौन होते हैं, एक होते हैं रैंड और दूसरा होता है आर्मास्ट। एक डॉक्टर होता है रैंड और एक होता है आर्मास्ट। अच्छा भैया, जब भारतीयों को चूतिया बनाना आसान नहीं है, वो चूतिया खुद से बन जाए तो बड़ी बात, नहीं तो फिर उड़ा देंगे। वही हुआ यहाँ अंग्रेजों के साथ, यही हुआ। कैसे, रैंड और आर्मास्ट क्या करते थे, नकली दवाइयों का व्यापार स्टार्ट कर दिया। भारत तो आए क्या करने, उन्होंने प्लेग पे काबू पाने के लिए अंग्रेजी कमिश्नरी ने भेजा उनको, लेकिन उन्होंने यहाँ आ करके क्या किया कि जो प्लेग की इंजेक्शन थी उसे ना लगा के उसमें केमिकल मिलाकर, और जो भी मतलब किसी को लगाते तो उसका दाम लेते, इंजेक्शन लगाते तो उसका अच्छा खासा दाम लेते, लेकिन और क्या करते, महिलाओं को जब इंजेक्शन लगाते तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगाते कि वो बेहोश हो जाती और उससे वो दुष्कर्म कर लेते, अब ये बड़ा भेद फैल गया। फिर क्या हुआ कि गुजरात में चापेकर बंधु का राज चल रहा था। कौन से बंधु का, चापेकर बंधु का महाराज चल रहा था। चापेकर बंधु तीन भाई थे, बालकृष्ण चापेकर, दामोदर चापेकर और वासुदेव चापेकर, ठीक है। तो चापेकर बंधु का वहाँ राज चल रहा था तो उनको पता चला कि वहाँ पर रैंड और आर्मास्ट नाम के दो इंग्लिश डॉक्टर यहाँ आ करके औरतों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं और दवाइयों को, इंजेक्शन को महंगे दामों में बेच रहे हैं। तो ये बंधु क्या करते हैं, सीधा गोली मार देते हैं,
सीधा गोली मार देते हैं किसको, रैंड और अर्मस्ट को। अब यही देख लेना, यही एक भारतीय गद्दारी करेगा और जा करके जलियाबाग वाले हत्याकांड का पूरा केस पूरा उसी पे उलझ जाएगा, वही जा करके झूठी खबर फैलाता है। चलिए वो अगली वीडियो में बताएंगे, जलियाबाग वाला जब हम बताएंगे, यहाँ देख लीजिए। फिर बाद में चापेकर बंधु को क्या हो जाती है, फांसी हो जाती है, चापेकर बंदूकी को फांसी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब इनको फांसी हो जाती है तो फिर जब प्लेग बीमारी और फैलती है तो सरकार आयात निर्यात बंद कर देती है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। आप लोग कमेंट में यस सर लिखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो यस सर लिखिए। तो क्या होता है, हाँ तो आयात निर्यात सरकार कर देती है बंद, क्या कर देती है, आयात निर्यात बंद हो जाता है, जब आयात निर्यात बंद हो जाता है, आयात निर्यात बंद हो जाता है तो क्या करती है, मिल वाले मालिक लोग क्या करते हैं, सैलरी तो देते हैं, सैलरी तो दे देते हैं, लेकिन बोनस देने से मना कर देते हैं, बोनस देने से मना कर देते हैं, ठीक है। तो जब बोनस देने से मना करते हैं तो सारे मजदूर नहीं जाते काम पर, वहाँ पर जितने भी मजदूर हैं काम कर रहे हैं वो नहीं जा रहे हैं उस समय, ठीक है। जब वो नहीं जा रहे हैं तो फिर क्या होता है कि ये बात अंग्रेज कुछ पता, अंग्रेज कमिश्नरी को पता चलती है, और उन लोगों को जब पता चलती है तो भारतीय मिल मालिकों पर दबाव बनाते हैं, भारतीय मिल मालिकों पर दबाव बनाते हैं कि आप लोग अपनी मिल को जारी रखो। तो फिर जब ये क्या होता है कि ये लोग आते हैं फिर से और दबाव बनाते हैं कि आप आके काम करो, आकर के आप काम करो, लेकिन सारे मजदूर काम करने से मना कर देते हैं। उसी समय अनसुईया बेन बोलो या अनसुईया सारा भाई, जो कि अंबालाल सारा भाई की बहन है, अंबालाल सारा भाई की बहन है। अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इनका। अंबालाल सारा भाई जो हैं उन्होंने साबरमती आश्रम बनने में गांधी जी को आर्थिक सहायता की थी, जब क्या बन रहा था, साबरमती आश्रम जब बन रहा था तो इन्होंने क्या किया था, आर्थिक सहायता की थी। अच्छा, इनकी बहन अनसुईया बेन अंबालाल सारा भाई खुद एक भारतीय मिल के मालिक हैं, ठीक है। और फिर उनकी बहन जो है अनसुईया बेन, उनको किसानों की परेशानी देखी नहीं जाती है, जब उनसे किसानों की परेशानी देखी नहीं है तो वो एक कदम उठाती हैं, वो क्या है, क्योंकि वो सुन चुकी होती हैं कि सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह में किस प्रकार से उनको, उनका किसानों को उनका हक मिला था। तो ये एक पत्र लिखती हैं, क्या करती हैं, एक पत्र लिखती हैं किसको, गांधी जी को, कि आप बिहार से फटाफट गुजरात आ जाइए, आपको यहाँ बहुत ज़रूरत है। अब गांधी जी एक लीर तो मार ही चुके थे, वाहवाही तो लूट ही चुके थे, जबकि उसमें उस समय वर्ल्ड वार का ज़्यादा प्रकोप था, तो इसलिए कमिश्नरी, अंग्रेज कमिश्नरी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रही थी, ठीक है। तो अच्छा, अंबालाल सारा भाई के ही बेटे का नाम विक्रम सारा भाई था, इन्हीं के बेटे का नाम था विक्रम सारा भाई, ठीक है। चलिए बताते हैं उनके बारे में भी, अंबालाल सारा भाई के बेटे का नाम विक्रम सारा भाई था, विक्रम सारा भाई, ये कौन है पता है, यही है इसरो के संस्थापक, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के पिता वैज्ञानिक, इसरो के संस्थापक, ठीक है। चलिए टॉपिक पे, तो फिर क्या हुआ कि गांधी जी को जब ये पत्र मिला तो गांधी जी चले आते हैं,
और गांधी जी आते हैं तो अनसुईया बेन से सारा मामला समझते हैं और वहाँ के किसानों की परेशानी समझते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। जब आवाज़ उठाते हैं तो ये पता चलती है अंग्रेज कमिश्नरी को। अब अंग्रेज कमिश्नरी कहते हैं ये क्या हो रहा है, और भारतीय मिल मालिकों पर दबाव बनाते हैं कि आप वहाँ काम रिस्टार्ट करो। ठीक है, तो फिर मालिक क्या करते हैं, मालिक लोग काम स्टार्ट करने के लिए आते हैं और मजदूरों को लालच फिर से देते हैं, लेकिन मजदूर लोग कार्य करने से मना कर देते हैं, साफ साफ कह देते हैं मैं आपके यहाँ काम करने नहीं जाऊँगा। तो इसीलिए अंग्रेज लोग विक्रम साराभाई के पिताजी को अंबालाल साराभाई को भेजते हैं, अंबालाल साराभाई को भेजते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी अच्छी दोस्ती थी गांधी जी के साथ, तो आप जाइए और गांधी जी को मनाइए इस विषय में। तो अंबालाल जी आते हैं और गांधी जी से मिलते हैं और उनसे बताते हैं कि हमने आपको आर्थिक सहायता दी थी साबरमती आश्रम में। तो गांधी जी कहते हैं मैं सत्य का साथ नहीं छोड़ूंगा, वहां हम सत्य थे, यहां भी हम सत्य हैं और हमें हमारा हक मिलना ही चाहिए। इसलिए क्या करते हैं वो उस समय 50% बोनस की मांग, गांधी जी 50% बोनस की मांग करते हैं। किससे? मजदूर जो है मजदूर यूनियन के साथ मिल करके 50% की मांग करते हैं। किससे करते हैं? जो मिल के मालिक हैं। अच्छा, वहां के अंबालाल सारा भाई तो कहते हैं चलो 20% हम देते हैं आपको, 20% हम देंगे बोनस। लेकिन कहते हैं कि मजदूर लोग कहते नहीं जाऊंगा हम भैया काम फिर से शुरू करने वाले नहीं हैं, आपके ये गलत झांसे में आने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि एक ट्रिब्यूनल कमेटी बैठती है जिसके अध्यक्ष होते हैं आनंद शंकर ध्रुव। ठीक है, और ये कहते हैं कि ये अपनी बात रखते हैं और इनको एक ट्रिब्यूनल कमेटी बनाई जाती है जिसमें इनको अध्यक्ष बनाया जाता है। अध्यक्ष में इनको ये बोलते हैं कि कम से कम 35% तो आप दीजिए हमको बोनस, पर 35% तो दीजिए। तो तब भी अंग्रेज सरकार नहीं मान रही है और भारतीय जो मिल मालिक है वो भी अंग्रेज के अंदर काम कर रहे हैं तो वो कहाँ से मान जाएंगे। फिर क्या होता है, फिर ये हड़ताल करते हैं, गांधी जी हड़ताल करते हैं और गांधी जी हड़ताल की तीन शर्तें रखते हैं। जबकि सबसे पहले गांधी जी हड़ताल में क्या करते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं और कहते हैं हम हड़ताल करेंगे। तो पहले 21 दिन की हड़ताल होती है, ठीक है, लेकिन उसमें शर्त रखते हैं गांधी जी। कौन कौन सी शर्त रखते हैं? पहला है डटे रहेंगे, अपने जितने भी सहयोगी हैं हड़ताली उनसे कहते हैं डटे रहेंगे, ये 1, 2, 3, 4 दिन नहीं चलने वाला है, ये आपका महीनों भी जा सकता है। दूसरा, भीख नहीं मांगेंगे, कहते हैं कि हम भीख नहीं मांगेंगे, काम के लिए भीख नहीं मांगेंगे, अपने बीवी बच्चों के लिए भीख नहीं मांगेंगे, अपनी जीवन यापका के लिए भीख नहीं मांगेंगे। तीसरा, अन्य कार से घर चलाएंगे, किसी और कार से हम लोग क्या चलाएंगे, घर चलाएंगे, लेकिन भीख नहीं मांगेंगे। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों। फिर और भी कहते हैं आप लोग स्वयं की इच्छा से, स्वेच्छा से इस हड़ताल में भाग ले सकते हैं। अब भैया मजदूर लोग खुश, कुछ को करना है कुछ को नहीं करना है, कुछ तो भैया जैसे बीवी बच्चे मर रहे हैं तो वही 10 का मिला 5 ही मिले बहुत है, क्योंकि घर तो चलाना है ना। तो इसमें कम से कम स्टार्ट किया इन्होंने, लगभग 70-80 मजदूर लेकर कर इन्होंने स्टार्ट किया। उसमें प्रमुख कौन थे? गांधी जी थे। गांधी जी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब गुजरात की बात है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल तो रहेंगे। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ बनी है? गुजरात में ही तो बनी है, ठीक है, सबसे लंबी भी है, कितना है, 182 फीट इसकी ऊंचाई है, लेकिन उससे भी बड़ी हमारे अयोध्या में श्री रामचंद्र जी की मंदिर बनने वाली है, 221 फीट ऊंचाई। गांधी जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अनसुईया बेन थी, शंकर लाल बैंकर जी थे और ये सबसे बड़ी बात कि अनसुईया बेन जी अपने भाई के ही खिलाफ थी, भाई के ही विरोध में थी।
भाई के विरोध में ही थी। तो जब ये तीनों शर्तें रखी तो कुछ मजदूर तो आए और कुछ नहीं आए। गांधी जी शुरू हो गए, दो दिन, चार दिन, छः दिन, आठ दिन, दस दिन, पंद्रह दिन, बीस दिन, महीना, दो महीना यह आंदोलन चला। उसके बाद क्या हुआ कि कमिश्नरी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर गांधी जी सबको फुलाते हैं, एक कमेटी बनाते हैं जिसका नाम है ट्रिब्यूनल कमेटी, और कहते हैं अब हम भूख हड़ताल करेंगे। तो पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल यही किया था। कहाँ किया था? अहमदाबाद मील आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। ठीक है, तो हड़ताल कितने दिन की चली? 21 दिन चली। और 21 दिन के बाद क्या हुआ? ट्रिब्यूनल कमेटी के अध्यक्ष आनंद शंकर ध्रुव जी ने, जो सरपंच थे, सबकी बातों को सहमति दिलाई और मजदूरों की सहमति हुई। तो बोनस कितने परसेंट मिला हमको? 35%। क्या कितना मिला? 35%। और इसे नाम क्या मिला? इसे नाम भी दिया गया प्लेट बोनस। ठीक है, तो आया हो आप लोग को यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हड़ताल मिल आंदोलन तो आपको अच्छे समझ में आ गया है। और ये सत्याग्रह, जो चंपारण सत्याग्रह था, अहमदाबाद मिल आंदोलन सत्याग्रह था, लगातार दो अपार सफलताओं के बाद तीसरी बार भी इन्होंने क्या किया? सत्याग्रह। वो कब किया? 1918 में ही किया। कौन सा किया? खेड़ा आंदोलन। कौन सा? खेड़ा आंदोलन। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो भी आप मैसेज कर दीजिए। और अगर आप एक लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। दिन रात मेहनत करके हम आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं और आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच।